प्लीज सब्सक्राइब करें टीआरपी न्यूज चैनल को और दबाएं इस घंटी को। दिया है इसको, इधर ला। गलती का एहसास हो रहा है? कोई से कम नहीं है। करने लायक ही नहीं रहे। किसकी राय पर ऐसा किया? क्या नाम है तुम्हारा? अवनीश कुमार। अवनीश, तुमने जो ना अपने भैया और भाभी को क्यों मौत के घाट उतार दिया? ऐसे ही दारू के नशे में। दारू के नशे में या और कोई भी लालच था? अच्छा, उसने तो जो ना जो तुम लड़की गोद ली थी उससे जलन नहीं थी तुम्हें? ना। तो फिर उसको क्यों मारा? लग नहीं, उससे भी धोखे में। धोखे में नहीं तो जमीन का कोई लालच नहीं था तुम्हें? नशे में ही मार दिए और तुमने अपनी जमीन बेच दी? कब से चल रहा है दिमाग में तुम्हारे? ना मानना अपनी जमीन बेच दी थी। और पत्नी भी नहीं रहती तुम्हारी? पत्नी को क्यों मारते थे? पत्नी को, आप पत्नी अपने घर है? नहीं तो अपने घर है मतलब मायके चली गई है, लेकिन तुम उसको क्यों मारते थे? उसको नहीं मारते। नहीं मारते तो चली क्यों गई थी वो? अपने घर गई है। या तुम्हारा कोई प्री प्लान था कि तू घर भाग जा मैं भैया और भाभी को देख लूंगा? नहीं। झगड़ा भी करते थे तुम? झगड़ा तो हमारा होता रहता था। क्यों, किस मामले को लेकर? खाना के पीछे। खाना क्यों? जब तुम्हारी शादी हो गई थी तो खाना के पीछे झगड़ा क्यों करते थे? बीवी से होती थी ना। अच्छा, और भैया से भी लड़ते थे? तो उनको मार दिए था। मगर कुरौली क्षेत्र के गांव निजामपुर में एक डबल मर्डर के रूप में पति पत्नी की हत्या हुई थी और उनकी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस सूचना पे हमारी मैनपुरी पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर तत्परतापूर्वक कार्रवाई किया था, जिसमें 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज घटना का खुलासा कर दिया गया। इसमें हत्यारा मृतक का सगा छोटा भाई निकला, जिसका नाम अवनेश है। इसको शंका के आधार पर पहले हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई तो इसने जुर्म का पूरा इकबाल कर दिया। इसकी निशानदेही पर घटना करने वाला हथियार बसूला बरामद किया गया है कुएं से, और इसका स्वेटर जिसपे खून के धब्बे थे उसको भी इसी की निशानदेही पर इसके घर से बरामद किया गया। घटना के मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई तो अपने बारे में बताया कि एक बहुत ही शराबी आदमी है, शराब की लत है इसको, और शराब के लत में इसने अपना 4 बीघा खेत पहले ही बेच चुका है और अब इसकी नज़र अपने भाई के 4-5 बीघा खेत पर थी। क्योंकि भाई की कोई संतान नहीं थी और भाई ने एक छोटी बच्ची को गोद ले लिया था तो इसके अरमानों पे पानी पड़ गया था, और इसी का बदला लेने के लिए और सभी कांटों को अपने रास्ते से साफ करने के लिए इसने इरादा बनाया। और उसी घर में सोते हुए रात में 1:30 बजे उठा और एक बंसूला से पहले अपने भाभी को मारा, फिर अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया और 8 माह की छोटी बच्ची के भी सिर पर प्रहार किया, परंतु बच्ची का दवा इलाज कराया जा रहा, वो बच जाएगी। और आज इस शातिर हत्यारे को सबूतों के साथ न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा, जहां से उसको जेल भेजा जाएगा।